ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स दैट यू हैव जॉइन्ड. आई होप एम आई क्लियरली ऑडिबल, राइट? यू आर एबल टू सी मी एंड आपको वीडियो भी क्लियरली दिख रहा है, राइट? कुछ डिस्टरबेंस है या कुछ प्रॉब्लम तो प्लीज लेट मी नो, देन वील क्विकली स्टार्ट विथ टूडेज सेशन. ओके, थैंक्स फॉर रिप्लाइंग. यस, सो आई विल स्टार्ट शेयरिंग माई स्क्रीन नाउ. सो सी, आई कैन सी मैनी न्यू स्टूडेंट्स टूडे. सो मैं आप लोगों को वही बोलना चाहती थी कि प्रीवियसली आपके जो अगर लेक्चर्स मिस हो गए, सो मेरा यूट्यूब चैनल भी है, सो ओके यू कैन वॉच ऑन दैट. लाइक वॉट आई विल डू टूडे इज, यू नो, मे बी टूवर्ड्स द एंड ऑफ द लेक्चर मैं और एक बार आपको शेयर कर देती हूँ मेरा लिंक, ओके? ताकि आप पहले के जो लेक्चर्स है यू कैन हैव अ लुक एट देम. ओके, यस. सो सी, इफ यू पीपल रिमेंबर लास्ट लेक्चर जो हमारा था, वी हैड स्टार्टेड विथ वॉट इज अ बिजनेस मॉडल, राइट? बिजनेस मॉडल क्या था उसका, यू नो, इफ यू पीपल रिमेंबर एक डायग्राम भी था जो मैंने आपको दिखाया था, राइट? बेसिकली दैट वॉज योर क्वेश्चन फॉर लास्ट लेक्चर. आज जो हमारा लेक्चर है, वी आर गोइंग टू स्टडी कि यू नो बिजनेस मॉडल जो है, बेसिकली हाउ इट वर्क्स, क्या उसके स्टेप्स होते हैं, स्टेप्स इन फॉर्म्युलेटिंग अ बिजनेस मॉडल, वही उसमें लिखा है. ओके, इसके बाद सी आज का आंसर इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स गुड टुडे द अटेंडेंस इज गुड, बिकॉज क्या है, दिस आंसर कम्स इन ऑल ऑफ योर एग्जाम्स. यू नो टॉप डाउन अप्रोच, बॉटम अप, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, राइट? सो सी, फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. सी, फर्स्ट पॉइंट हमेशा क्या होता है, आप खुद मुझे, कैन एनी वन टेल मी, जो लोग मेरे लेक्चर्स बैठे हो, फर्स्ट पॉइंट हमेशा क्या रहता है, कोई भी अगर हम प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो, एनी वन, कैन एनी वन थिंक एंड टेल यू, पीपल नो दिस, कम ऑन, इट स्टार्ट्स विथ पी. कोई भी अगर प्रोसेस की बात हो रही है, आप हमेशा, लेट्स अज्यूम, यू नो, आपको बता रही हूँ अभी, सिंस आप TY में हो, आपके बोर्ड एग्जाम्स है, यू नो, तो चलो ड्यू टू सम रीजन आप डर गए हो या ऐसा कुछ नहीं याद आ रहा है, तो हमेशा क्या होगा, नॉट इंट्रोडक्शन, आई विल टेल यू द करेक्ट आंसर इज प्लानिंग. प्लानिंग हर चीज में लगता है, राइट? आई हैव टोल्ड यू. तो कोई भी आंसर हो, फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज प्लानिंग, राइट? सो सी, उसमें क्या लिखा है, स्कैन एंड स्कोप, मतलब प्लान ही, करंट आपका क्या सिचुएशन, मतलब सी, सेटअप, बिजनेस मॉडल, इनोवेशन, ऑब्जेक्टिव्स, मतलब वही ऑब्जेक्टिव्स मीन्स व्हाट यू वांट टू अचीव, राइट, इन अ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, राइट? अंडरस्टैंड इंडस्ट्री नॉर्म्स, वेरी इंपॉर्टेंट. सी, बिजनेस मॉडल अगर मैं आपको शॉर्ट में डिफाइन करूँ, यू नो अ प्रोसेस बाय विच अ बिजनेस कैन बी डन, राइट? अगर हमें सिस्टमैटिकली बिजनेस करना है तो बेसिकली इंडस्ट्री नॉर्म्स, मतलब सी, इंडस्ट्री मतलब करंटली, अगर लेट्स अज्यूम मुझे मोबाइल फोन का बिजनेस करना है, तो यू नो करंट मार्केट में और मेरे कौन कॉम्पिटिटर्स है, यू नो, लेट्स अज्यूम अगर हम आईफोन की बात कर रहे हैं, तो वॉट दे आर डूइंग दैट सेट्स देम अपार्ट, ये सब चीज़ें हमें स्टडी करनी है बेसिकली. मतलब इंडस्ट्री नॉर्म्स, मतलब करंट मार्केट में क्या चल रहा है, वी हैव टू स्टडी दैट. ओके, असेस एक्सटर्नल फैक्टर्स. सी, दिस यू ऑल नो बाय नाउ. नहीं पता है तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स मीन्स व्हाट. इंटरनल मीन्स विद इन योर कंपनी, आपके जो एम्प्लॉयज है वो, मैनेजमेंट है, राइट? एक्सटर्नल, एक्सटर्नल में वन आंसर वी हैड ऑलरेडी डन बिफोर, एनी वन रिमेंबर्स, पेस्टल एनवायरमेंट. कोई मुझे फटाफट फुल फॉर्म बता सकता है पेस्टल का इन द चैट बॉक्स? आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाईज. PESTL. सी, एक्सटर्नल की बात आती है तो हम पेस्टल की बात करते हैं हमेशा. फटाफट मुझे बता दो, जो लोग प्रेजेंट थे वो, नहीं हुए हो तो यू कैन वॉच दीज लेक्चर्स लेटर. पॉलिटिकल इज राइट, दैट इज राइट, यस.
कौन सी कंट्री में कौन सी पार्टीज है. यू नो पॉलिटिकल से ही मुझे एक अच्छा एग्जाम्पल आ रहा है. आई विल टेल यू, यू पीपल ऑलरेडी नो. यू नो हम बाबा रामदेव की बात करते हैं, ही हैज हिज ओन ब्रांड पतंजलि, राइट. तो अगर आपको उसका पता हो, इंडिया में क्यों पतंजलि ने इजीली बिजनेस किया है, बिकॉज उन्हें पॉलिटिकल पार्टीज का काफी अच्छा सपोर्ट है, राइट. इसलिए उनके प्रोडक्ट्स काफी कम में भी हमें मिलते हैं. यस, ई वॉज नॉट एनहांस्ड. यस, अभी तुमने राइट लिखा तिलक राज. यस, इट्स इकोनॉमिक. मतलब यू ऑल नो करंटली इकोनॉमी काफी रिसेशन में. यू नो लोगों के पे कट्स हो रहे हैं, जॉब्स नहीं है, जॉब्स जा रही है. यस, थैंक्स अनिकेत फॉर आंसरिंग टू. यस, मतलब इकोनॉमी आप क्या कंडीशन में हो, राइट. गुड. यस, यस, सोशल इज द राइट आंसर. यस, अनिकेत हैज रिटन, तिलक राज हैज रिटन. गुड. मतलब बेसिकली यही है सोसाइटी. कौन से यस, सोशियो कल्चरल. गुड. कौन सी सोसाइटी में, लाइक यू नो अगर मैकडोनल्ड्स है फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडिया में दे वॉन्ट टू सेल काउ मीट, जो हम बीफ बोलते हैं, देन यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम्स आ जाएंगे. यू नो बैन ही कर देंगे वो लोग मैकडोनल्ड्स को, राइट. मतलब हम कौन सी सोसाइटी में रह रहे हैं, उनकी क्या वैल्यू सिस्टम है, वो भी हमें स्टडी करनी पड़ती है, राइट. यस, PEST. टी यू ऑलरेडी रोट टेक्नोलॉजिकल. आपको पता ही है, ये तो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है कि यू नो टेक्नोलॉजी आने से बिजनेस करने में, आई मीन पूरे वर्ल्ड में कितने सारे चेंजेस आ गए, राइट. यस, ई वन मोर अनिकेत आंसर्ड इट वॉज एनवायरमेंट. गुड. सी एनवायरमेंट मतलब क्या, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने आपको बोला था दिल्ली साइड जो है फायर क्रैकर्स फटाके फैक्ट्रीज बंद करवा दिए, वाई पोल्यूशन है. मुंबई में रिसेंटली प्लास्टिक फॉर कमर्शियल यूज, आई मीन डे टू डे यूज बैन कर दिया था, राइट. यस, नो एल इज नॉट लीडरशिप. नो नो नो, थिंक अबाउट इट. ऐसी एक कंट्री की सिस्टम जो हम सबको अफेक्ट करती है, नॉट लीडरशिप. मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ. यस, गुड, नाउ यू आर ऑन द राइट ट्रैक. यस, यू राइट. लीगल एनवायरमेंट मतलब आपके कंपनी का लॉ सिस्टम क्या है. सो सी फॉर एग्जाम्पल, आई रिमेम्बर यू नो बीच में ये सब GST आया था, अ लॉट ऑफ पीपल हैड अपोज्ड, यू नो स्पेशली शॉपकीपर्स, कि GST निकाल दो, बंद कर दो, ये वो. बट अल्टीमेटली किसी का कुछ चला नहीं. क्या हुआ, ये लीगल सिस्टम. मतलब अगर लॉ ही बन गया है तो कोई क्या, किसी की कुछ चलने वाली नहीं है, राइट. बेसिकली यही इसमें लिखा है. ओके, सो दिस वॉज पेस्टल एनवायरमेंट. आई थिंक मैंने अदरवाइज सी यू पीपल, यू नो मैं दूसरे क्लास में भी ये कंसेप्ट पढ़ाती हूँ. सो अगर मैंने आपको नहीं पढ़ाया तो आप एक बार मेरा वीडियो देख सकते हो यूट्यूब पे. आई थिंक आई विल डू वन थिंग टूवर्ड्स दी एंड, मैं एक बार और लिंक शेयर करती हूँ आपसे. ओके, नाउ लुक एट द फोर्थ पॉइंट. से ये प्लानिंग स्टेज में ही चार पॉइंट्स है. फोर्थ पॉइंट क्या था, असेस इंटरनल कैपेबिलिटीज एंड कंस्ट्रेंट्स. दिस इज नथिंग बट स्वॉट एनालिसिस. मतलब क्या, इंटरनल कैपेबिलिटीज मतलब आपकी कंपनी क्या कर सकती है, कंस्ट्रेंट्स मतलब क्या, प्रॉब्लम्स क्या आ सकती है, राइट. सी आफ्टर ऑल हमें खुद के बारे में हम बोलते हैं ना, इवन एट अ पर्सनल लेवल. सो आज सिंस मैनी स्टूडेंट्स आर न्यू, मैं आपको वही बोल रही थी, यू नो स्वॉट एनालिसिस हमें खुद का करना चाहिए. मतलब क्या, हमें पता होना चाहिए कि यू नो हमारे स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेस क्या है, राइट. तो इन द सेम वे मैंने सी स्वॉट का भी, आई डोंट नो अगर मैंने वो आपके बैच के साथ आंसर किया है कि नहीं, अगेन यू कैन वॉच इट ऑन यूट्यूब, राइट. यस, मतलब मतलब आपको बेसिकली पता होना चाहिए. लाइक सी फॉर एग्जाम्पल, यू नो अभी अगर मैं आपको हमेशा देती हूँ, यू नो मैं खुद की मोबाइल फोन ब्रांड लॉन्च कर रही हूँ अगर, तो नाउ आई कैन नॉट से दैट यू नो कि मेरी जो मोबाइल फोन कंपनी है, मैं सैमसंग ने या एप्पल ने जो मॉडल यूज़ किया था मैं वही यूज़ करूँगी. नो, दैट इज़ नॉट पॉसिबल. वाई, बिकॉज दोज कंपनीज आर ऑलरेडी एस्टैब्लिश. सी वो लोग रिस्क भी ले सकता है. आई टोल्ड यू रिस्क इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर एनी बिजनेस, राइट. तो वो लोग रिस्क ईजीली ले सकते हैं, बट मेरी जैसी नई कंपनी है, इट कैन नॉट टेक रिस्क, राइट. सो मतलब वही, हमें खुद पता होना चाहिए कि वॉट आर वी केपेबल ऑफ डूइंग, वॉट वी आर नॉट. ओके, द नेक्स्ट पॉइंट, रीथिंक एंड रीडिजाइन. सी री अगर हम लगाते कोई भी वर्ड के आगे,
उसका मीनिंग क्या हो जाता है इन सिंपल वर्ड्स? टू डू इट अगेन, राइट? रीथिंक मतलब आप एक बार फिर से सोचो. सी आई टेल यू, यू नो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ये जो सब्जेक्ट है बेसिकली, यू नो इट्स ऑल अबाउट लॉन्ग टर्म प्लानिंग. तो उसमें क्या है, अगर हम ये सब कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहे हैं कि मैम इतना क्यों हम प्लानिंग 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 हो रहा है, बट ये सब्जेक्ट में आई विल टेल यू, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ यू नो कि ये पूरे सब्जेक्ट में आपको अगर कभी भी कोई भी आंसर पूछे नहीं याद आ रहा है, तो ऑलवेज रिमेंबर हीर मैम के वर्ड्स, यू नो व्हेन एवर यू फॉरगेट इन योर एग्जाम ऑल्सो, कि फर्स्ट स्टेप कुछ भी नहीं समझ में आया फिर भी प्लानिंग ऐड कर दे ने का. ओके, सो उसमें वही बोला है रीथिंक हु व्हाट एंड हाउ. सो इफ यू पीपल रिमेंबर, मैंने वो ये क्लास में नहीं पूछा है, कैन यू टेल मी व्हाट आर 5 W's and 1 H? लाइक हम कोई भी बिजनेस करते हैं तो हमें वो क्वेश्चन खुद को पहले पूछना चाहिए. इट स्टार्ट्स विथ 5 W's and 1 H. आई एम श्योर ऑल ऑफ यू नो. कैन यू क्विकली टेल मी क्या है वो 5 W's and 1 H? वेटिंग फॉर रिप्लाइज. क्वेश्चंस इससे स्टार्ट होते हैं, फ्रॉम दीज वर्ड्स. कम ऑन गाइज, दिस इज वेरी इजी. मुझे FY के बच्चों ने आंसर्स दिए. यू शुड नो 5 W's. ओके, मैं आपको एक हिंट दे रही हूँ. द फर्स्ट W, एवरी वन लुक एट योर चैट बॉक्स. फर्स्ट W इज वॉट? अभी और मुझे ऐसे 4 वर्ड्स बताओ क्या है वो. आई वॉन्ट एवरी वन टू पार्टिसिपेट. वेटिंग फॉर योर रिप्लाइज. गुड, वेन आ गया. यस, और 3 बताओ मुझे. गुड, यू आर ऑन द राइट ट्रैक. मूव ऑन. गुड, वेर, यस, गुड दीपक, गुड टू सी यू आंसरिंग. गुड, वेरी गुड. एंड 1 H क्या रह गया? 1 H. कम ऑन, 1 H. यस, हाउ, वेरी गुड. सी आप लोगों ने ही आंसर्स बताए. फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, अगर मैं बोल रही थी कि मेरी मोबाइल फोन की कंपनी है तो व्हाट, मतलब व्हाट बिजनेस आई एम इनटू, राइट? सेकंड जो क्वेश्चन है अनिकेत का, पहला आंसर आया था. आई विल मूव लाइन वाइज. व्हेन मतलब कब मुझे बिजनेस करना है, 1 साल में, 10 साल में, राइट? वेयर, दीपक हैड रोड, मतलब कौन सी प्लेस पे मुझे फोन सेल करना है, सिर्फ मुंबई, पूरे इंडिया, पूरे वर्ल्ड, राइट? हुम, तिलक राज है टोल, वेरी इंपॉर्टेंट. हुम या हु मतलब अनिकेत एट रिटर्न हु, मतलब बेसिकली हमारे कस्टमर्स कौन होंगे, कौन सी एज ग्रुप में, राइट? सी बिकॉज एज ग्रुप ऑल्सो मैटर्स. अगर हम बोलते हैं कि यू नो टीन एजर्स जो होते हैं मोबाइल फोन यूज करते हैं, नॉर्मली वी ऑल नो टीन एजर्स इन इंडिया, एब्रॉड की बात नहीं हो रही. यहाँ पे क्या होता है, सब लोग जो फोन्स होते हैं पेरेंट्स के पैसे से ही खरीदते हैं, राइट? तो इन द सेम वे, यू नो एट द सेम टाइम अगर कोई 30s में है एज ग्रुप में, तो डेफिनेटली वो जॉब करता ही होगा, राइट? मतलब ये सब चीज है. व्हाट आई मीन टू से, इस बचपन में अगर आप पेरेंट्स को बोलते हैं कि अगर आपको आईफोन खरीदना है, क्या बोलेंगे वो? दे विल गिव यू अ टाइट स्लैप. क्या बोलते हैं कि आप खुद के पैसे से लो, वंस यू स्टार्ट अर्निंग, राइट? मतलब ये सब चीजें भी, टीनेजर्स मे बी दे कैन नॉट एफोर्ड वेरी एक्सपेंसिव फोन्स, बट अगर कोई वर्किंग पर्सन है दे विल डेफिनेटली बाय आईफोन, बिकॉज उसे मे बी रियली जरूरत भी है ड्यू टू वर्क रीजन ऑल्सो, राइट? दैट वॉज अ गुड पॉइंट. वेयर हो गया प्लेस, हु आपके कस्टमर्स कौन, एंड द लास्ट वन आप सब लोगों ने बोला हाउ. मतलब ये सब जो हम इतना प्लानिंग कर रहे हैं, आई लाइक टूडेज सेशन, इट वॉज वेरी इंट्रैक्टिव. येस, हाउ मतलब कैसे हमें रिजल्ट अचीव करने हैं. ओके, वही बेसिकली हम बिजनेस मॉडल में पढ़ रहे हैं. सो सी क्या लिखा है, यू नो हु वॉट हाउ, वही हमें फिर से प्लान करना है, बेसिकली वही लिखा है. ओके, एसेस फिट ऑफ ईच ऑप्शन. ओके, फिट ऑफ ईच ऑप्शन. ओके, फर्स्ट यू पीपल टेल मी, मैंने आपको शायद ये लास्ट टाइम एग्जाम्पल दिया था एक, राइट? कि अगर हम जस्ट टेल मी, बिकॉज मैं काफ़ी लेक्चर्स लेती हूँ इन ऑल डिविजन, कि अगर मुझे घर से CST जाना है, मेरे पास 3 ऑप्शंस है, हैड आई गिवन यू दैट एग्जाम्पल और नो? यस और नो? घर से, यस.
ओके सो आई विल गिव यू अ न्यू एग्जांपल टुडे, पे अटेंशन. लाइक सी आप लोग जब 10th में थे यू वे कंफ्यूज्ड राइट कि आपको कौन सी स्ट्रीम लेनी थी. सो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. वी ऑल नो देयर आर 3 स्ट्रीम्स, आर्ट, साइंस, कॉमर्स. ओके नाउ आपका ऑप्शन ए था वो साइंस, ठीक है. साइंस में मोस्टली आप जाते हो, विच आर दी ऑप्शंस यू हैव, या तो डॉक्टर बनो या तो इंजीनियर. ओके नाउ यू रियलाइज ऑप्शन तो अच्छा है बट मुझे यू नो उतनी मेहनत नहीं करनी है. लाइक मे बी यू डोंट लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री पसंद ही नहीं है एंड यू ऑल नो मेडिकल स्टडीज आर क्वाइट एक्सपेंसिव राइट. सो तुम्हें उतना इंटरेस्ट नहीं था पढ़ाई में, इसलिए जो आपका ऑप्शन ए था रूल आउट हो गया, ठीक है. ओके ऑप्शन बी मे बी फॉर यू वॉज आर्ट्स, बट आर्ट्स में एज वी ऑल नो हमें मे भी जाना था कुछ, मे भी देर आर मेनी कोर्सेज इंग्लिश लिटरेचर एंड ऑल, बट क्या हो जाता है अगेन इफ वी सिलेक्ट आर्ट्स पेरेंट्स हमारे बीच में आ जाते हैं, क्या बोलते हैं अरे आर्ट्स लेके क्या करेगा तू, उसमें कुछ स्कोप ही नहीं है, करियर ही नहीं है, क्या करेगा तू राइट. मतलब वो ऑप्शन हमारे लिए मे भी अच्छा था बट कुछ उसमें प्रॉब्लम आ जाता है कुछ ना कुछ, एज आई टोल्ड पेरेंट्स का राइट. तो हमारे लिए सी ऑप्शन, हम बोलते हैं ना मिडल ग्राउंड, मतलब ना इस पार ना उस पार, कॉमर्स इज अ गुड ऑप्शन. सी कॉमर्स क्यों तुम लोग लेते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू डू कोर्सेज लाइक बीएमएस जो भी है बीकॉम, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल एफोर्डेबल है, मतलब साइंस जितना महंगा नहीं है. सेकेंड वन अपॉर्चुनिटीज, जॉब अपॉर्चुनिटीज आर वेरी गुड इफ़ यू ऑल नो राइट. इवन मैंने भी, इफ़ यू पीपल डोंट नो अबाउट मी, मैं भी इनिशियली 11th 12th आई टेकन अप साइंस बट उसके बाद आई स्विच टू मैनेजमेंट. मैं खुद बीएमएस की स्टूडेंट रह चुकी हूँ राइट, बिकॉज काफ़ी अच्छे ऑप्शन है. यू नो आप एमबीए कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, तो वही मैं आपको बोल रही थी, यू नो फिट ऑफ ईच ऑप्शन. सो देन यू फाइनली सिलेक्टेड कि चलो मेरे लिए कॉमर्स इज द राइट ऑप्शन. तो इन द सेम वे बिजनेस इज भी, सी मे बी यू नो वॉट आई मीन टू से इज आर्ट्स, आर्ट्स में पढ़ाई कॉमर्स से भी सस्ती हो सकती थी बट आपने फिर भी वो नहीं लिया. वाई? बिकॉज हमें सबसे सस्ता नहीं देखना है, आफ्टर ऑल इट इज़ अ मैटर ऑफ अवर करियर राइट. तो आप खुद सोचो इन द सेम वे अगर कोई बिजनेस है तो नॉट नेसेसरी कि सबसे सस्ता ऑप्शन ही अच्छा हो राइट. हमें कौन सा अच्छा पड़ेगा वो हमें देखना है राइट. थर्ड वन असेस सस्टेनेबिलिटी ऑफ ईच ऑप्शन. सस्टेन का मीनिंग एज यू ऑल नो टिकाऊ है राइट. सो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलती हूँ, अगर हम यू नो गुरुवार मार्केट उधर से कुछ प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, वी ऑल नो वहाँ पे प्रोडक्ट की कुछ गारंटी नहीं होती है राइट, हार्डली. अगर हम शूज भी ले रहे हैं, अगर मैंने आज एक दिन पहने वो चप्पल कल टूट गए तो हम उसको ऐसा नहीं बोल सकते कि चलो पैसे वापिस दो, उस पर वारंटी कार्ड नहीं मिलता है. Whereas if you see good brands, Nike, Adidas, एक दो वुडलैंड के शूज है इफ यू पीपल नो, उसकी तो 5 साल की भी वारंटी होती है राइट. मतलब सस्टेनेबिलिटी, जैसे कि मैंने आपको कहा आर्ट्स ऑप्शन सस्ता था बट मेरे लिए कॉमर्स अच्छा था राइट. मतलब वो टिकाऊ ऑप्शन है राइट, इट इज गुड फॉर मी. ओके रिफाइन एंड कंपेयर ऑप्शन, इट्स अगेन द सेम पॉइंट. मतलब क्या बोला है, यू नो सी आई हैव टोल्ड यू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में हमेशा 50% ऑफ द टाइम हम प्लानिंग ही कर रहे हैं. इसलिए यू नो मैंने आपको स्टार्टिंग के लेक्चर में बताया था मोस्टली ये जो टॉप मैनेजमेंट होते हैं वही लोग ये सब प्लानिंग करते हैं राइट. बिकॉज आप खुद मुझे बताओ अगर बेस ही क्लियर नहीं है तो आगे हम कुछ नहीं कर सकते राइट. इसलिए हम प्लानिंग में इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं राधर. ओके यस द नेक्स्ट वन थर्ड पॉइंट स्पेसिफाई एंड एसेस. स्पेसिफाई मतलब क्लियर करो कि अभी चलो मैंने कॉमर्स ले लिया है तो यही ऑप्शन के साथ मुझे कंटिन्यू करना है. ओके सो क्या लिखा है फर्स्ट पॉइंट देखो, आइडेंटिफाई की एक्टिविटीज, एक्टर्स एंड रिलेशनशिप्स. ओके एक्टर्स बेसिकली अब इसमें हम फिल्म स्टार्स की बात नहीं कर रहे हैं. ओके आइडेंटिफाई की एक्टिविटीज एंड रिलेशनशिप्स मतलब क्या. सो सी अगर मैंने बिजनेस मॉडल, मैंने एक प्लान बनाया है ओके, तो उसमें सी अब डिपार्टमेंट्स यू ऑल नो फर्म्स में बेसिकली कौन से है, मार्केटिंग है, एचआर है, फिनेंस है राइट. तो अभी तुम लोग मार्केटिंग के स्टूडेंट्स हो तो फॉर एग्जांपल अगर मार्केटिंग है तो की एक्टिविटीज मतलब अगर मैंने आपको प्रमोशन का काम दिया है प्रोडक्ट का राइट, तो मार्केटिंग में भी फॉर एग्जांपल आई टेल यू मार्केटिंग में भी कई डिपार्टमेंट्स है.
लाइक लेट मी गिव यू मार्केटिंग में इफ यू पीपल नो डिजिटल मार्केटिंग का एक डिवीजन है, यू नो दे आर ऑल अबाउट आईटी एडवर्टाइजिंग. टीवी पे जो एड्स आती है उसका कंटेंट क्या बनाना, यू नो कौन से टाइम पे रिलीज. यू नो करंटली आई कैन गिव यू अ वेरी गुड एग्जाम्पल इफ यू पीपल नो. कल 6th एंड टूडे 7th August अमेजोन का एक सेल चल रहा है, प्राइम डे सेल. आपने अगर पढ़ा ही होगा न्यूज में. वॉट आई मीन टू से इज आप देखो वो लोग कितना ऑनलाइन प्रमोशन कर रहे हैं. एज यू ऑल नो अभी लॉकडाउन चल रहा है तो यू नो मे बी टीवीज पे उतना नहीं हो रहा है. आई मीन हो रहा है ऐसा नहीं बोल रहे, बट अभी सब लोग आपको पता ही है राइट, सब लोग फ्री बैठे हैं यूट्यूब एंड ऑल राइट देखते ही है. सो दे आर मैक्सिमाइजिंग कि यू नो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कैसे पहुँचे उनकी वेबसाइट के बारे में राइट. इसलिए बहुत वो लगा है उससे, स्पेशली इंस्टाग्राम फेसबुक बहुत ज़्यादा मार्केट कर रहे हैं. मतलब उसमें वही दिखा है कि किसका क्या काम रहेगा वो आप डिफाइन करो. मार्केटिंग में भी यू नो फॉर एग्जांपल डोर टू डोर सेलिंग होता है, यू पीपल नो इट राइट. पहले यू नो आई हैव सीन काफ़ी HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर वो लोग यू नो अपने साबुन या ऐसी सब चीज़ें बेचने आते थे. अभी तो डेफिनेटली बिकॉज ऑफ लॉकडाउन वो बंद ही हो गया है राइट. यस सेकेंड पॉइंट क्या लिखा है, एसेस एनी चेंजेस रिक्वायर्ड चेंजेस इन एस्टैब्लिश्ड एक्टिविटी वेक्टर्स एंड ये. मतलब वही लिखा है कि यू नो फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने आपको कहा कि अभी अगर यू नो न्यूज़पेपर्स है या ऐसा कुछ ऐसे ही, मोस्टली आई विल टेल यू अभी अमेजोन का जो सेल चल रहा है इट इज़ मोस्टली टारगेटिंग अर्बन एरियाज ओनली. वॉट आई मीन टू से इज अगर आप एक ऐसा छोटा गांव ले लो कहीं दूर दूर है, वहाँ के पीपल मे नॉट फॉलो दिस इंस्टाग्राम एंड ऑल राइट. उन्हें शायद पता भी नहीं होगा. सो वॉट आई मीन टू से इज यू नो कि वही एनी चेंजेस, मतलब वॉट दे हैव थॉट इज कि अभी रेडियो पे प्रमोशन, रेडियो अभी हार्डली कोई, आई डोंट नो तुम में से इवन आई डोंट यूज रेडियो राइट. मतलब मैं वही बोल रही थी कि ट्रेडिशनल मीडिया ये सब जो है टीवी रेडियो दे मे नॉट उतने सी, आपको पता है टीवी पे ऐड देना भी इट्स नॉट सस्ता. एक ऐड एक एक सेकेंड का हिसाब होता है. सीन यू नो एक ऐड होती है हार्डली ₹1,00,000 से, तो दैट डिपेंड्स अगेन ऑन द चैनल एंड व्यूअरशिप कितने लोग सीरियल देखते. आप देखो स्पेशली जो कपिल शर्मा शो आता है उसमें जो एड्स आते हैं दे मस्ट बी पेइंग हिम सो मच राइट एवरी आई मीन द चैनल सोनी को राइट. मतलब वही कि अगर ये सब हम कर रहे हैं उसमें कुछ चेंज करना है तो वो भी आप राइट टाइम पे कर दो राइट. यस वन मोर थिंग मैं आपको अमेजोन का ही बोल रही थी. सो यू पीपल नो दे ऑलवेज उनका मेन टारगेट यही होता है कि मैक्सिमम मोबाइल फोन्स पे. सी अगर आप देखो अभी यू नो ये जो थिंग्स होती है लाइक यू नो अमेजोन पे इफ़ यू पीपल नो पैंट्री एंड ऑल भी है, मतलब हमारे नॉर्मल जो साबुन खाने पीने का सामान मिलता है. बट इफ़ यू पीपल आपको समझ में आता ही है उन्हें ज़्यादा मार्जिन किस में होता है, मोबाइल फ़ोन. सो यू नो वो लोग भी हमेशा ट्राई करते हैं कि मोबाइल फ़ोन, इसको हम बोलते हैं पुश स्ट्रैटेजी, मतलब धक्का मारो. डोंट वरी अभी नहीं समझ में आया ये आपको, एनी वे नेक्स्ट लेक्चर में आई एम गोइंग टू टीच यू दिस ओके. नेक्स्ट पॉइंट इज स्पेसिफाई रिसोर्सेज एंड कॉम्पिटेंसीज रिक्वायर्ड. मतलब मे बी अगर अमेजोन का सेल चल रहा है तो रिसोर्सेज मतलब यू नो मुझे ऑनलाइन ये सब सी आफ्टर ऑल कस्टमर्स ऑर्डर प्लेस करेंगे तो उन्हें डाउट्स भी आएंगे, उनकी कस्टमर सर्विस हेल्पलाइन भी फुल रहने वाली है. मतलब वही कि इसके लिए मुझे कितना स्टाफ लगेगा, ऑनलाइन यू नो सिस्टम्स मेंटेन करने के लिए कौन, तो वो सब भी मुझे रिसोर्स मतलब वही कुछ भी हो सकता है, मनी फिनेंशियल रिसोर्स ह्यूमन रिसोर्स राइट. यस द नेक्स्ट वन इज एसेस ओवरऑल फिट ऑफ कंपोनेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट ओवरऑल फिट. मतलब सी आफ्टर ऑल यू नो मैं इतना प्लानिंग कर रही हूँ तो हमें वो भी मेक श्योर करना है ना कि एवरीथिंग इज इन द राइट प्लेस. हम बोलते हैं ना इन सिंपल टर्म्स प्लेसिंग राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब टू अचीव द राइट गोल, बेसिकली इसमें यही एक्सप्लेन किए राइट ओके. गवर्नेंस ऑफ की एक्टिविटीज एंड लिंकेजेस ओके. गवर्नेंस मीन्स व्हाट, स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन. लाइक क्या हो जाता है, अभी मैं अमेजोन की बात कर रही थी तो मे बी यू नो उसमें इफ यू पीपल नो सी मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम क्या होता है, तुमने एक बार एड दे दिया फिर लोग प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं
ठीक है, अभी उसके बाद का क्या स्टेप होता है ऑर्डर डिलीवरी का, तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट इज नॉट कंसर्न्ड विद दैट, वो लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट देखेगा, राइट। फिर वो बिल इनवॉइस का जो काम है वो एचआर देखेगा। व्हाट आई मीन टू से ये भी आपको स्ट्रिक्टली गवर्नेंस, मतलब कल अगर लेट्स अज्यूम कि यू नो प्रोडक्ट डिले हो गया डिलीवरी या ऐसा कुछ, तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट कैन नॉट ब्लेम, दे विल से वो लॉजिस्टिक्स को पूछो, मतलब फ्यूचर में ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स ना हो, इसलिए यू हैव टू क्लियरली डिफाइन कि कौन सा डिपार्टमेंट किसका है। ओके, द नेक्स्ट वन, ओके, सो नाउ वी आर डन विथ 4 पॉइंट्स, अभी लास्ट 10 मिनट्स हैं और 1 पॉइंट ही रह गया है। अब तक किसी को कुछ डाउट है देन यू कैन आस्क मी इन द चैट बॉक्स, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाइज। अब तक अगर किसी को कुछ डाउट है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर रिप्लाइंग, थैंक यू सो मच। ओके, सो सी तब तक यू नो बिकॉज सी फिर मीटिंग अचानक एंड हो जाएगा 10 मिनट में, तो उसके पहले मैं अभी से असाइनमेंट क्वेश्चन भी आपको टाइप करके दे रही हूँ। ओके, सो सी ये आपका आज का असाइनमेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द स्टेप्स इन सेटिंग अप अ बिजनेस मॉडल अलॉन्ग विथ एग्जाम्पल्स। ओके, यू लास्ट लेक्चर ऑलरेडी वो हो गया था, वॉट इज अ बिजनेस मॉडल एंड ऑल, इवन इफ यू डोंट राइट इट अगेन इट डजेंट मैटर। ओके, ये आज का क्वेश्चन है स्टेप्स, आज हमने ये जो स्लाइड था उतना ही हमें करना, आई एम नॉट स्टार्टिंग विथ द न्यू स्लाइड नाउ। ओके, सो सी अभी मैं लास्ट पॉइंट जो है दैट आई विल फिनिश इट अप, yes, which is a plan and placement, plan and implement, sorry, yes, मतलब क्या हो गया, अब तक हमने plan किया, see last step I'll tell you people, normally आपको ये याद होगा, first year में भी आपने पढ़ा होगा, implement मतलब क्या हम बोलते हैं ना, implement, review and control, मतलब इतना सब हमने जो plan किया है उसे actual करने की बारी आती है, right? So for example, if you people have decided कि you know अभी तुम TY में हो, तुम्हें बोर्ड में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, वॉट यू पीपल हैव टू मेक श्योर एटलीस्ट एवरी डे 2 to 3 आवर्स स्टडी करोगे, राइट, तभी ये तुम्हारा जो एंड रिजल्ट है वो अचीव होगा, राइट। सो बेसिकली इसमें यही का है। ओके, सो सी फर्स्ट पॉइंट क्या है, डिफाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन रोड मैप। रोड मैप इज नथिंग बट यू नो कि हमें कैसे अचीव करना है, इम्प्लीमेंटेशन रोड मैप। सी हम बिजनेस की बात कर रहे हैं आफ्टर ऑल, कोई एम्प्लॉय भी है, हमें उन्हें बोलना पड़ेगा मार्केटिंग डिपार्टमेंट में कि यू नो आप ऐसे ऐसे काम करो, वी कैन नॉट एक्सपेक्ट, अगर हमारे घर फॉर एग्जांपल यू नो कोई काम वाले भी आते हैं, तो इफ यू पीपल रिमेम्बर स्टार्टिंग के कुछ डेज हमारी मदर जो है उसे बताती है कि आप ऐसे किया करो, ऐसे करना है, राइट, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि किसी को ऐसे ही काम आ जाएगा, राइट, वही उसमें लिखा है। सेकेंड वन इज बिल्ड वर्क, मतलब प्लान एंड माइलस्टोन्स। माइलस्टोन्स मतलब क्या कि फॉर एग्जांपल अगर आप देखो यू नो अभी अमेजोन का सेल आज एंड होने वाला है, सो यू नो मे बी टुमारो और विद इन अ वीक वो लोग एक रिपोर्ट बनाएंगे कि यू नो वी हैव डन 100 crores ऑफ सेल इन जस्ट 2 days, राइट। माइलस्टोन मतलब वही तुम्हारे क्या अचीवमेंट्स है उसको हाईलाइट करो, मतलब इससे बेसिकली क्या हो रहा है यू नो सिंपल थिंग, मार्केटिंग डिपार्टमेंट खुद क्रेडिट ले रहे हैं, एंड सी इट्स नॉट रॉन्ग, अगर आपने कुछ अच्छा काम किया है तो आई डोंट थिंक क्रेडिट लेना इज नॉट अ बैड थिंग, राइट, यस। द नेक्स्ट वन इज प्रोटोटाइप एक्सपेरिमेंट, लर्न एंड इवॉल्व। सी इसका सिंपल मीनिंग डोंट गेट कन्फ्यूज विद द वर्ड्स एंड ऑल, बहुत ईजी है। प्रोटोटाइप एक्सपेरिमेंट मतलब इसका क्या मीनिंग है, सी कई बार क्या होता है, सी आफ्टर ऑल मार्केटिंग डिपार्टमेंट कोई भी हो सब इंसान ही चलाते हैं, राइट, अगर हमसे कोई बार कोई गलतियां भी हो जाती है इट्स टोटली फाइन, हम बोलते हैं ना कि इट इज अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी, मतलब क्या अगर ये साल गलती हो गई तो यू नो मेक श्योर नेक्स्ट ईयर हम सेम मिस्टेक रिपीट ना करें, मतलब वही बोला है कि एक्चुअली सी हम कितना भी पहले बोल रहे हैं ना कि प्लान बहुत अच्छा बनाया ये वो, बट स्टिल ये सब जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स होते हैं वो हमें एंड
मोमेंट पे ही आते हैं एंड तभी आपकी स्किल्स एज अ मैनेजर टेस्ट होती है कि आप कितना अच्छे से हैंडल कर पाते हो, राइट? सो उसमें वही लिखा है कि आप एक्सपेरिमेंट, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई नई चीज़ करनी है तो यू शुड बी स्केर्ड ऑफ डूइंग इट. आप ट्राई करते रहो, गलती हो जाए तो ठीक है, आप गलती से सीख के आगे बढ़ा करो. ओके, एंड द लास्ट पॉइंट इज इम्प्लीमेंट विथ अ क्लियर व्यू ऑफ द अलाइनमेंट अक्रॉस कंपोनेंट्स. इसका क्या मीनिंग है? अलाइनमेंट अक्रॉस कंपोनेंट्स मतलब जैसे कि मैंने आपको कहा कि अगर मार्केटिंग है, एचआर है, ये सब कंपोनेंट्स है बिजनेस के, तो इसमें राइट प्रॉपर कोऑर्डिनेशन है कि नहीं? बिकॉज सी आफ्टर ऑल आपको मैंने बोला कस्टमर है, अगर उसे प्रोडक्ट टाइम पे नहीं मिला है वो ये नहीं दिखेगा कि लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट ने अपना काम नहीं किया. व्हाट ही सीज अमेज़न ही बेकार कंपनी है, राइट? टाइम पे डिलीवरी, तो आफ्टर ऑल देखो इससे क्या हो गया, कंपनी का काम नाम खराब हुआ. मतलब क्या, आफ्टर ऑल मार्केटिंग ने भी इतनी मेहनत की वो वेस्ट गई, लॉजिस्टिक्स का तो खराब हुआ ही, राइट? मतलब इसमें वही बोलना है कि ये सब फैक्टर्स है बेसिकली. अगर हम बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्टूडेंट है उसे अच्छे मार्क्स आए बेसिकली, तो हम ये नहीं बोल सकते, नो डाउट स्टूडेंट की मेहनत तो है ही, बट उसके अलावा उसके पेरेंट्स होते हैं, उसके पीछे इतना पैसा खर्चा किया है, टीचर्स होते हैं, मे बी अगर किसी ने कोचिंग क्लास ज्वाइन की है तो सबकी मेहनत होती है बेसिकली. आप कोई भी क्रिकेटर, आई एम श्योर एवरी वन इन द क्लास लव्स क्रिकेट, आप कोई भी क्रिकेटर की भी स्टोरी पढ़ा करो, ऐसा नहीं है कि वो अकेला सक्सेसफुल है, देर आर मेनी पीपल, पूरी एक टीम होती है जिसकी वजह से आज से वो सक्सेस मिला है, राइट? सो हैव यू पीपल अंडरस्टूड दिस आंसर? इसमें किसी को कुछ डाउट है? आई एम वेटिंग फॉर यू इन द चैट बॉक्स. ओनली 4 मिनट्स आर लेफ्ट, सो तब तक यू पीपल कैन आस्क मी एनीथिंग, अगर कुछ पूछना हो नहीं समझा तो. कोई भी पॉइंट इफ यू वॉन्ट मी टू रिपीट यू कैन टेल मी. या मैंने आपको ये आंसर दे ही दिया है. What are the steps in setting up a business model? Like आज हमने actually पढ़ा, last lecture तक हमने वही पढ़ा था कि business model क्या है. Today we actually learn कि how exactly it is done in real life. Okay, so I'm doing one thing. अभी मैं मेरे आपको YouTube channel का link दे रही हूँ because I can see many new faces today. I mean new, I cannot see her faces. Chat box में दिख रहे हैं. So just let me give you a minute, मैं आपको मेरा लिंक दे देती हूँ. ओके, सो सी अगेन यहाँ एक्चुअली वही मैं बोल रही थी, यूट्यूब का लिंक मैंने भेज दिया है, कैन वॉच प्रीवियस वीडियोज एंड दिस इज माई ई मेल. सो आई एक्सपेक्ट कि एवरी संडे आप मुझे पूरे वीक, लाइक पूरे वीक हमारे जो भी 2 या 3 जितने लेक्चर्स होते हैं, आप मुझे सब असाइनमेंट एक साथ भेज सकते हो, ओके, ऑन दिस ईमेल आईडी. एंड मेक श्योर यू साइन ऑन ईच एंड एवरी पेज, राइट? ताकि हमें पता चले कि वो आपका ही असाइनमेंट है, किसी और का कॉपी पेस्ट नहीं है. एंड रादर देन सेंडिंग मी द फोटोज, यू पीपल सेंड इट टू मी इन PDF फॉर्मेट, ओके, ताकि वो मुझे भी आसान लगे. फोटोज में कई बार इट डजंट ओपन अप, ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं. ओके, सो वील एंड द लेक्चर नाउ, आई विल जस्ट स्टॉप रिकॉर्डिंग.